जय हिंद दोस्तों बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइए जय हिंद सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो आज की क्लास में जो है ठीक है आज की क्लास में हम जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 तक गौर से देखेंगे अगर आप तो क्वेश्चन नंबर 29 तक पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था और 29 से 39 मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो सवाल हैं 29 से लेकर 39 तक ये दस सवाल आपको खुद करने हैं क्यूं? क्यों क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को बार बार यहां कराकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा है नहीं ठीक है तो ये जो शीट हमने आपको दिया है इसके दस क्वेश्चन आपको खुद लगाने थे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइव की तरफ ठीक है थर्टी नाइन की तरफ बिल्कुल अब मेरी जो तबीयत है वो सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा सा जो है वो तबीयत खराब था आज आप लोगों की दो क्लास है कॉन्टिन्यूसली एक अभी है साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह और दूसरी जो है वो साढ़े बारह से आपको डेढ़ या दो बज भी सकते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है जब तक ये शीट कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे ठीक चलिए ताकि हम थोड़ा अपने पिछले क्लासेस का भर पाया कर पाए तो सवाल को समझते हैं सवाल में बोला गया है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है जिसमें पी क्यू नाम का एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है जो पैरल है एसी के एबीसी का एरिया और पी क्यू बी का एरिया जो है पीबी क्यू का एरिया कितना दिया गया है तो सवाल में हमसे जो है तीन अनुपात दिया गया है कितना एक दिया गया है तो सीबी और सी का मान पूछा है सवाल ये भी काफी आसान है काफी खूबसूरत प्रश्न है लेकिन ठीक है बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वो इस सवाल में रूट में कंफ्यूजन में आ जाता है उनको कि भाई ये सवाल रूट में आ गया है ये कैसे करें? जैसे मानिए आपको बोला गया एक त्रिभुज आपका एबीसी है आपने एबीसी नाम का एक त्रिभुज बना दिया फिर आपको कहा गया पी नाम की एक सीधी रेखा है PQ नाम की एक सीधी रेखा है जो AC के पैरल है मान लो हम इनका नामकरण बदल देते हैं इसको हम A देते हैं इसको B बोलते हैं और इसको हम C बोलते हैं और ये रेखा जो होगा हो रेखा AC के क्या है? सीधा है, है फिर सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि जो ए बी सी का एरिया है ए बी और सी का जो एरिया है और पी बी और क्यू का जो एरिया है वो तीन अनुपात एक है ठीक है वो कितना है तीन अनुपात एक है तो हमसे बोला गया है बताओ CB का जो पोर्शन है और तुम्हारा जो CQ का पोर्शन है ये CQ का जो पोर्शन है ये साइड कितने में तो आप मुझे बताएंगे यहां पर आप मुझे खुद बताइए जो एरिया ABC का है और जो एरिया हमारा BQ आप ऐसे भी कह सकते हैं BAC का एरिया आप यहां पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BAC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ठीक है एरिया ऑफ BAC आप ऐसे ना कह के आप सिंपल कह लो कि जो साइड BQ है ठीक है जो साइड BQ है ठीक है जो साइड बी क्यू है और डिवाइडेड बाई हम कितना कह सकते हैं BQ बटे BC ये आता है ये BQ बटे BC आता है किसके रूट अंडर करने की वजह से आता है तो आप बोलेंगे सर साइड का रेशियो चाहिए तो आपको एरिया का क्या करना पड़ेगा एरिया का आपको रूट करना पड़ेगा जो BQ है वो किस त्रिभुज में है तो PBQ में है उसका एरिया कितना है तो एक है ठीक है साथ में जो हमारा BC है वो किस त्रिभुज में है ABC में है इसका एरिया कितना है तीन है यानी हम ये कह सकते हैं रूट वन का वन होता है और ये तोता है तीन ठीक है यानी यहां पर जो ये वाला पोर्शन है ये मेरे बात को समझिएगा ये हो गया वन और पूरी वैल्यू कितने की हो गई पूरी वैल्यू हो गई रूट तीन की तो जो ये बचा हुआ पोर्शन है ये कितना हो जाएगा रूट तीन माइनस वन हो जाएगा सवाल में हमसे ये जो पूछा गया है पूछा गया है सी से लेकर बी तक यानी रूट तीन और सी से लेकर क्यू तक यानी रूट तीन माइनस वन तो ये हमसे बोला गया है जब हम इनका रेशियो लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमसे जो वैल्यू बोली गई है बोली गई है रूट तीन डिवाइडेड बाई रूट तीन माइनस वन का मान कितना होगा ठीक है तो इसका वैल्यू देखो क्या सीधा सीधा ऑप्शन में दिया गया है तो एकदम ऐसा डिटो ऑप्शन नहीं दिया गया अगर ऑप्शन नहीं दिया गया ये किसका मान है तो आप बोलेंगे सर सी बी और बट्टे में सी क्यू का मान है ये हमारा मान पूछा गया है अब इसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चन नंबर रूट थ्री माइनस वन के साथ दोनों में गुना करेंगे तो रूट थ्री है ऊपर में रूट थ्री माइनस वन के साथ गुना करेंगे और रूट थ्री प्लस वन के साथ गुना करेंगे माफ करिएगा रूट थ्री प्लस वन के साथ गुना करेंगे और नीचे रूट थ्री प्लस वन के साथ गुना करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आ जाएगा दो आ जाएगा तो देखेंगे जरा रूट तीन बोटे दो रूट थ्री प्लस वन ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर जो ये है वो करेक्ट आंसर है दोबारा से समझ लीजिए आप सवाल को बोला गया है कि छोटे वाले का एरिया एक यूनिट है और बड़े वाले का एरिया तीन यूनिट है तो अगर इनके एरिया का अनुपात एक और तीन का है तो छोटे वाले का साइड और बड़े वाले का साइड का रेशियो क्या होगा तो एरिया का रूट होता है यानी एक अनुपात तीन का हम रूट लगा देंगे तो छोटे वाले का साइड वन का रूट वन होता है और तीन का रूट रूट तीन होता है छोटे वाले का साइड एक आ जाएगा पूरे बड़े वाले का साइड रूट तीन आ जाएगा पूरा बड़ा रूट तीन है और ये जनाब एक है तो ये छोटू कितना हो जाएगा तो ये रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा ये छोटू कितना हो जाएगा तो रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा इस बात को समझिए ठीक है अब हमसे बोला गया है कि ये छोटे वाला और ये पूरा बड़े वाले साइड का वैल्यू कितना है यानी रूट तीन ठीक है सॉरी बड़ा वाला और छोटे वाला तो बड़ा वाला का रूट तीन हो गया छोटे वाले का रूट तीन माइनस वन हो गया रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन से गुना करेंगे तो तीन इंटू रूट हो जाएगा और रूट थ्री प्लस वन वैल्यू कितना आता है दो आता है ऐसा ही ये क्वेश्चन दो हजार। अट्ठारह में पूछा गया था मेंस में और सिंपल सा क्वेश्चन था बोला गया था कि एक आपका ऐसा ट्रायंगल है ठीक है और ये ट्रायंगल में एक रेखा दी गई है आपको त्रिभुज है रेखा नाम की डी है और ये डी जो है वो क्या है समानांतर है डीई जो है वो किसके समानांतर है बीसी के ठीक है और उसके बाद बोला गया है कि ये छोटे वाले का जो एरिया है ये वन यूनिट है और यहाँ पर ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया वन यूनिट है और सवाल में आपसे पूछा गया था सेम तरीके से ईसी बटे ए का जो मान होगा वो कितना होगा बता दीजिए इसी बटे ए का जो मान होगा वो कितना होगा बता दीजिए तो यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है ट्रायंगल एडीई -E का एरिया ठीक है और बट्टे में ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो एरिया कितना है तो बोलेंगे सर एक बटे दो ये हमारा एरिया जो है ये दिया गया है मान लो यहां पर कि ऊपर वाले का एरिया एक यूनिट और टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है दो यूनिट है ये हमारे एरिया का मान दिया गया है अब ये एरिया का मान दिया गया है ठीक है अब ये एरिया का मान दिया गया है तो हम साइड का मान कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि देखो भैया ए हो गया मान लो ठीक है और ए को भाग करेंगे किसके साथ छोटे वाले और बट्टे में बड़ा वाला जो साइड है ठीक है तो साइड का रेशियो क्या होता है एरिया का रूट अंडर होता है यानी रूट अंडर वन अपॉन टू यानी बोलेंगे वन अपॉन रूट टू यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि छोटे वाले की साइड अगर वन है तो पूरा बड़े वाले का साइड कितना है रूट टू है तो ये जो ईसी आ जाएगा ये ईसी कितना आ जाएगा तो ई आ जाएगा रूट टू माइनस वन ईसी कितना आ जाएगा जनाब, तो जाएगा? जनाब रूट टू माइनस वन आ जाएगा ठीक है तो सवाल में वही हमसे पूछा गया था कि ईसी और बट्टे में ए कितना है तो ईसी का मान बताओ कितना है तो बोलोगे सर ईसी का मान रूट टू माइनस वन है और ए का मान मतलब पूरा और पूरा का मान कितना है तो रूट टू है तो आप इसका आंसर ये दे सकते थे कि रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू रूट डिवाइडेड बाई रूट टू। कोई समस्या की बात यहां पर कोई परेशानी की बात ठीक है चलिए बहुत शानदार तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको जो है एरिया एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया जाता है अगर यहाँ छत्तीस और उनचास दे देता है तो बड़ा जल्दी आप लोग बना लेते हैं कि हाँ साइड छह हो जाएगा साइड सात हो जाएगा लेकिन एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि इसको छत्तीस और उनचास नहीं देना है इसको दो और पांच देना है इसको पांच और सात देना है ताकि आंसर उसका रूट में आए और रूट में आए तो पक्का कन्फ्यूज और गलती करे लेकिन बात है यहाँ पर कंसेप्ट की क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें साइड का अनुपात निकालना है तो हमें एरिया का रूट करना पड़ेगा एरिया का रूट करेंगे चाहे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट में इंटीजर आ जाएगा अब नहीं हुआ, तो इंटीजर नहीं आएगा। फिर देखिए योगिता गौर क्वेश्चन नंबर नहीं बताएंगे 19, पहले जो पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़िए जो पढ़ाने आए हैं पहले वो पढ़िए क्लास के बाद में आप अपना डाउट पूछेंगे अभी बीच में नहीं पूछेंगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है तब से पढ़ा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उस उसपे फोकस है नहीं जो नहीं पढ़ा रहे उसके ऊपर ज्यादा फोकस है 400-500 बच्चे लाइव बैठे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए नहीं बैठे हैं वो क्वेश्चन जो बाकी होने हैं उसके लिए बैठे हैं ठीक है चलिए अब देखिये यहाँ पर त्रिभुज नंबर एबीसी है एबीसी में क्या बोला गया है जो ए बी है वो किसके बराबर है एसी के बराबर है फिर बोला गया है यहाँ पर दो त्रिभुज है ना मुझे लग रहा है दो त्रिभुज है तो टोटल दो त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहां पर एक ये हमारा हो गया ट्राइंगल और दूसरा हमारा ट्राइंगल यहाँ पर ये यह हो गया ये दो ट्राइंगल हो गए यहाँ पे अब दोनों ट्राइंगल में बात क्या कही गई है तो पहले वाले में बोला गया है ये आपका त्रिभुज एबीसी है जहां पर आपका ए बी और ए सी क्या है बराबर है और कहा गया है ए एल जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है लंब है किसके ऊपर बी डी के ऊपर ठीक है एएल ए एल नाम का बिंदु जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर है उसी तरीके से हमसे बोला गया है एक त्रिभुज हमारा दूसरा कौन है तो डीई एफ है उसमें कहा गया है जो ये डी है वो डी एफ के बराबर है और डीएम नाम का जो पॉइंट है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो ई एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है एम पे इन दोनों के एरिया का अनुपात दिया गया है नौ अनुपात पच्चीस अगर हम बात करेंगे तो एरिया का अनुपात कितना है तो नौ अनुपात पच्चीस है इनके एरिया का अनुपात अब अगर मानो इनके एरिया का अनुपात नौ अनुपात पच्चीस है तो इनका चाहे साइड हो चाहे फिर परपेंडिकुलर हो चाहे मीडियन हो कुछ भी हो उसका रेशियो क्या होगा तो बोलेंगे सर एरिया का रूट कर दीजिए नौ का रूट तीन होता है पच्चीस का रूट पांच होता है अगर एरिया का अनुपात नौ अनुपात पच्चीस है तो साइड का अनुपात कितना होगा तीन अनुपात पांच यानी आप कह सकते हैं इसका जो लंब है वो तीन है और इसका जो लंब है वो पांच है इसकी ये वाली भुजा तीन है तो इसकी ये वाली भुजा पांच है इसकी ये वाली भुजा तीन है तो इसकी ये वाली भुजा पांच है इसकी ये वाली भुजा तीन है तो इसकी ये वाली भुजा पांच है ये तीन है तो ये पांच है मतलब ये इसी अनुपात में चलेंगे ये इसी अनुपात में चलेंगे यहां पर सवाल में ये कहा गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा तीन होगी तो इसकी प्रत्येक भुजा पांच होगी यही बात हमें सीखने को मिलता है समरूपता से सिमिलैरिटी से तो सवाल में कहा गया है डीएम और एएल को जोड़िए ठीक है डीएम और एल को जोड़िए डीएम कौन है तो ये है और एएल कौन है तो ये है ठीक है बाकी साइड से तो हमें मतलब ही नहीं है तो बाकी सभी चीजों को हम मिटा देते हैं ठीक तो हमारा डीएम कितना आया तो बोलेंगे सर डीएम पांच आया एल कितना आया तीन आया और डीएम और एल को घटाइए और घटा को क्या करिए घटा दीजिए तो पांच तीन आठ में से दो गया तो कितना आ जाएगा? फोर वन आ जाएगा जाएगा बटे ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है समझ में आ गया दोनों के एरिया का अनुपात तीन अनुपात नौ अनुपात पच्चीस से साइड का अनुपात तीन अनुपात पांच है उसके बाद इनके परपेंडिकुलर का सम पूछा गया है ठीक चलिए बहुत शानदार अगले सवाल की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं 48 में क्या बोला गया है 48 में बोला गया है कि D और E जो है वो पॉइंट है किसके ऊपर है AB और AC के ऊपर हैं इस तरीके से ठीक है ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट DE ई इज पैरल टू बी एक एक बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ पे बनाएंगे कितने टोटल त्रिभुज हैं हमारे पास ट्राइंगल ABC है ठीक है और ABC के अंदर जो है वो DF एफ कहां से आ गया द साइड एंड रेस्पेक्टिवली बना लीजिए यहाँ पर त्रिभुज को त्रिभुज में आपको बोला गया है कि त्रिभुज का नाम क्या है तो त्रिभुज का नाम आपका एबीसी है उसके ऊपर क्या बोला गया है त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमश भुजाएं एबी और एसी पर है एबी पर कौन है तो डी है और यहाँ पर कौन है तो ई e है दोनों को बना लीजिए कि भैया ये डी नाम का एक पॉइंट होगा मान लो डी नाम का पॉइंट ए बी पर है ई नाम का पॉइंट ए सी पर है जैसा कि कहा गया है फिर उसके बाद आपको कहा गया है कि जो डीई है वो पैरल है किसके बी सी के यानी ये इसके समानांतर है एडी और डीबी का जो रेशियो है एडी और बी डी जो है एडी और बी डी का जो रेशियो है वो कितना है चार अनुपात पांच है तो हम बोलेंगे ये चार है तो ये वैल्यू मान लो पांच है सी डी जो है और बीई अब यहां देखो ये जो सी डी वाली पॉइंट है और जो बीई वाली पॉइंट है ये एक दूसरे को काटती है प्रतिषेधित करती है यहां पे किस पॉइंट पर करती है तो एफ नाम के बिंदु पर करती है फिर हमसे बोला गया है कि डीई एफ का एरिया बताओ डीई एफ का एरिया और सी एफ और बी का एरिया बताना है कि सी बी एफ का एरिया कितना होगा ठीक है समझ में आ गया कुशल चौरासिया कहते हैं प्लीज टाइप वाइज बनाया करें ये दिक्कत होती है कुशल चौरसिया जिंदगी में आपको इससे आसानी से जो है ना पूरे भारत में अगर कोई टीचर इतने आसान तरीके से आपको ज्योमेट्री समझा दे तो बोलना मैं भी चल के पढ़ूंगा आपके साथ इतनी टाइप वाइज चीजें हैं अब आप पता है क्या सोचते हो कि अब मान लो यहाँ पर दो रेशियो चार दे दिया तो उसके लिए एक अलग टाइप बनाए नौ रेशियो पच्चीस दे दिया तो उसके लिए अलग टाइप बनाए तो बेटा आप गलत जगह आ गए हो फिर फिर आपको पांच साल लग जाएगा तैयारी करने में इस बात को ध्यान रखो ठीक है इतना बेसिक अगर घुसोगे ना तो फिर बेकार है सरकारी नौकरी की तैयारी करना इस बात का ध्यान रखो अरे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सिमिलैरिटी के ऊपर आठ क्लास ले चुके हैं टोटल मुझे लग रहा है सातवीं क्लास है ये और सातवीं क्लास में तो आगे बोलोगे सर टाइप वाइस कराओ बताओ सात क्लास में कोई सिमिलैरिटी पढ़ाता है और अभी दो तीन क्लासेस और जाएंगे पढ़ोगे खुद घर पे बैठ के है नहीं और फिर आगे टीचर को डिस्टर्ब करोगे तो कैसे काम चलेगा खुद पढ़कर आया करो अब जैसे मानो मुझे क्या पूछा गया है मुझसे ये एरिया का अनुपात पूछा गया है ठीक है मुझसे ये एरिया का अनुपात पूछा गया है कि ये एरिया का अनुपात कितना है अब मानो ब्लू वाला और हरा वाला का एरिया पूछा गया है कि ये एरिया का अनुपात कितना है हमें पता है समरूपता से कि अगर हमें एरिया का अनुपात बताना है तो उनके साइड का अनुपात हमें पता होना बहुत जरूरी है अनुपात e का का पता करना है तो हमें यहां पर डी एफ ई का साइड क्या है डी है और एफ बी सी का साइड क्या है तो बी सी है ये साइड का जो है हमें रेशियो का पता होना बहुत जरूरी है अगर रेशियो का पता नहीं लग पाएगा तो हम जो है

ठीक है यानी जो डीई है वो अगर चार है तो हमारा जो बीसी होगा वो कितना होगा नौ होगा और मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जो डीई एफ है और जो बी एफ सी है वो एक दूसरे के समरूप होंगे ये एक दूसरे के समरूप होंगे क्यों समरूप होंगे भैया ये जनाब इसके पैरल है तो ये वाला कौन इसके बराबर ये वाला कौन इसके बराबर दो एंगल बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक समरूप होंगे कहने की कोई बात ही नहीं है तो इनके साइड का अनुपात इसका प्रत्येक भूजा चार है तो इसका प्रत्येक भूजा जो है वो कितना है नौ no है तो इसका एरिया चार का स्क्वायर सोलह होगा और इसका एरिया नौ का स्क्वायर इक्यासी होगा तो एरिया का अनुपात सोलह अनुपात कितना होगा इक्यासी बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है चार और पांच था तो छोटे का साइज चार हो गया बड़े का साइज नौ हो गया अगर साइड का रेशियो चार और नौ है तो एरिया का रेशियो सोलह और इक्यासी हो गया ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे चलो अब यहां से जो देखो क्वेश्चन हम करेंगे ना ये सभी के सभी क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे अच्छे लेवल के होंगे ठीक है तो जिनका सिर्फ सीएचएसएल का मोटिव है या बाकी पेपर्स का है तो वो तो ना करें ठीक लेकिन जिनका सीजल बढ़िया तरीके से जो लेवल है जो एकदम हाई लेवल के प्रश्नों को डील करना चाहते हैं उनके लिए क्लास यहां से स्टार्ट होती है बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको 49 से और यहां से एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी में आते हैं सवाल में हमसे कहा गया है जो डीई है ना हमारा ये जो डी नाम की भूजा है ये समानांतर है किसके बीसी के समानांतर है साथ में हमसे ये भी बोला गया है जो डीई का मान है वो बी का एक तिहाई है मतलब अगर हम यहां पर ये बोले कि यहां पर हमारा ये एक यूनिट है तो ये पूरा का पूरा कितना है तीन है ठीक है हमसे का जो मान बोला गया है इसका एरिया, एरिया, एरिया हमसे कितना होगा तो देखो कहने को ये सवाल जो है आपको लग सकता है थोड़ा घुमावदार बट असल में ये सवाल जो है वो बहुत 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 सिंपल है ठीक है आप ऐसे समझो कि ये छोटे वाले की साइड कितनी है तो बोलोगे सर एक यूनिट और पूरा बड़े वाले का साइड कितना है तो बोलोगे सर तीन यूनिट दोबारा से आपको ये सवाल समझाते हैं ऑडियो चला गया था ठीक है सवाल में देखिए सवाल में आपसे बोला गया है जो ये डी है ना इसका मान अगर एक है तो ये जो बीसी है इसका मान कितना है तीन है ये इनके भुजाओं का अनुपात है ठीक है तो मैं भी वही बात कहता हूं कि छोटे वाले का अगर एक है तो बड़े वाले का तीन है तो यहां पर जो छोटा वाला है अगर ये एक है तो पूरा का पूरा बड़ा वाला कितना होगा ये तीन होगा अगर ये एक है और ये तीन है तो ये छोटू कितना होगा तो बोलोगे सर ये दो होगा ठीक है ये कितना होगा तो दो होगा बस बात खत्म ये छोटू कितना होगा तो ये वाला जनाब जो है ए कितना होगा एक और ये कितना होगा दो होगा ठीक समझ में आ गया अब जरा इस वाले त्रिभुज में आ जाइए आप तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज को आप कवरअप करिए ठीक है इस त्रिभुज का जो हाइट है वो क्या है कॉमन है दोनों में बराबर है आपको हमने पढ़ाया था एक एक बात कि अगर त्रिभुज हम बनाते हैं और एक उल्टी सीधी कोई भी हाइट हम लेते हैं जरूरी नहीं है वो ये नब्बे बनाए अगर इनके बेस का अनुपात तीन अनुपात दो है इनके आधार का अनुपात तीन अनुपात दो है और अगर इन दोनों त्रिभुजों का ये दोनों त्रिभुजों का जो हाइट है वो सेम है तो इनके एरिया का भी वही अनुपात होगा यानी इनके एरिया का भी अनुपात तीन अनुपात दो ही होगा ये बात क्लियर है आपको उसी तरीके से आप ट्रायंगल एडीसी में देखिए जो डी है वो इनका कॉमन हाइट है अगर ये कॉमन हाइट है तो इनका बेस का रेशियो वन रेशियो टू है तो इनका एरिया का भी रेशियो वन रेशियो कितना होगा टू होगा इनका बेस का रेशियो है, तो एरिया भी कितना होगा रेशियो होगा। सवाल में एडीई का मान बीस दिया गया है एडीई का मान बीस दिया गया है यानी एक यूनिट का मान बीस दिया गया है तो दो यूनिट का मान कितना होगा दो यूनिट का मान चालीस होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है ठीक है सिंपल है चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से सवाल बोला जाता है कि आपसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है किस चतुर्भुज का आपसे इस वाले चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है और इस चतुर्भुज में आपको ये सोलह दिया गया है और यहाँ पर इसका एरिया नौ दिया गया है और आपसे बोला है कि भैया देखो बात ऐसी है ठीक है कुछ ज्यादा मान देंगे नहीं हम तुमको ये वाली रेखा पूरे बड़े वाली के समानांतर और ये वाली रेखा जो है ये बड़े वाली के समानांतर है आपसे जो एरिया पूछा गया है बीच में क्वेश्चन है इसका एरिया कितना होगा यह बता दो ठीक है इसका एरिया कितना होगा ये बता दो तो चलो आंसर बताओ कितना होगा जरा बुद्धि का प्रयोग करो कैसे निकालोगे ठीक है चाहोगे तो सवाल एक सेकंड में बन सकता है ठीक है और चाहोगे तो नहीं भी बन सकता है इस बात का ध्यान रखो एक सेकंड काफी है और नहीं भी काफी है ठीक है अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रोच क्या लगाते हैं और इस तरीके से सवाल बना पाएंगे जितने भी बच्चों का आज पहला क्लास है जिन्होंने कल एडमिशन लिया है परसों लिया है तरसों लिया है उनको बस एक ही काम करना है और उनको काम क्या करना है उनको काम बस इतना करना है कि पहले आप पहले की वीडियो देखेंगे क्लास नंबर पहले आप लाइंस लाइन की वीडियो देखेंगे और लाइंस लाइन के बाद तब दोबारा चलकर आप जो है ठीक है अभी सिमिलैरिटी को देखेंगे ये नहीं कि अभी क्लास नंबर नाइन है क्लास नंबर एट है क्लास नंबर सेवन है तो उसमें जंप कर गए ऐसा नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको आप एकदम क्लास नंबर वन से देखिए ठीक है जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है वहां से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए तो बहुत सिंपल है अब अगर मानो मैं आपको यह बात कहता हूं सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली जो रेखा है ना यह इसके समानांतर एगल तो का एरिया कितना होगा तो बोलोगे सर सोलह प्लस नौ और मान लो अगर ये एक्स है तो एक्स होगा छोटे वाले का एरिया हो गया सोलह और बड़े वाले का एरिया कितना होगा तो सोलह जमा नौ पच्चीस पच्चीस प्लस एक्स ठीक है, जनरली एरिया होता है वो क्या होता है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है ताकि हम क्या कर पाए ताकि हम जो है, कि 25 में मुझे कुछ जोड़ना है। 16 और परफेक्ट 25, 25 स्क्वायर बनाए तो 25 में 12 को जोड़ते हैं सैतीस जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 25 में 36 को जोड़िए इक्यावन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पच्चीस में आप चौदह को जोड़ेंगे थर्टी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पच्चीस में आप को जोड़िए 49, 49 सात का स्क्वायर है मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा लेकिन फिर भी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि भैया क्या ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है ठीक है क्योंकि ऐसे सवालों को हम जाते हैं बाई ऑप्शन से मेथड से जाओगे बना लोगे एक्स मानकर बट आपका समय बहुत ज्यादा खराब होगा इस बात का आप ध्यान रखना तो जैसे मानो ऐसे सवालों में हमने क्या किया हमने कहा बेटा तुम सोलह हो तुम नौ हो ठीक है एक ऐसी संख्या यहां पर रखेंगे जिनको तीनों को जोड़ने में क्या हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए सोलह और नौ पच्चीस में कितना जोड़ा जाए कि

छोटे वाले का चार बड़े वाले का सात तो ये पार्ट का साइड हो गया तीन ठीक है अब उसके बाद समझते हैं ठीक अब उसके बाद सिमिलैरिटी लगाते हैं और दूसरे वाले पार्ट में लगाते हैं किस में लगाते हैं तो इसमें लगाते हैं अब ये छोटा वाला लेते हैं और, लेते हैं और इसका कंपेयर इस बड़े वाले के साथ करते हैं तो इस छोटे वाले का एरिया कितना है तो बोलोगे नौ और टोटल का एरिया कितना है तो बोलोगे सर पच्चीस टोटल का एरिया कितना है तो फोर्टी तो है ठीक है 9 हो गया और पूरे का एरिया 49 हो गया अब इसका रूट लगाओ जरा तो बोलोगे सर तीन और आ जाएगा सात यानी आप बोलोगे कि सर देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी तो ये वाली वैल्यू तीन आ जाएगी और पूरी वैल्यू कितनी आएगी तो सात आएगी सात आने का मतलब ये कितना होगा चार होगा तीन के स्थान पर तीन है चार के स्थान पर चार है ये सेटिस्फाई कर रहा है और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का ट्वेंटी जो लिया है हमने ऑप्शन में वो सही लिया है ठीक है समझ में आ गया तो दो तरीके से किया जा सकता है पहला तो सीधा का सीधा एक ऐसी संख्या चूज करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो और अगर ऑप्शन में दो संख्याएं ऐसी होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं ठीक है जैसे मानो ये भी ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बना देता है तो उस केस में उस वैल्यू को रख के उस रेशियो को सेटिस्फाई करेंगे कि भैया यहां पर जब हम चौबीस रख रहे हैं तो छोटा और बट्टे में बड़ा का साइड का अनुपात चार और तीन का आ रहा है यहां पर रख रहे हैं तो छोटा और बट्टे में जो बड़ा है मतलब ये वाला पार्ट है वो भी तीन अनुपात चार आ रहा है मतलब सही है कि ये चार

मुझे सबका कमेंट दिख रहा है निखार आपका भी कमेंट दिख रहा है परेशान ना हो कमेंट आप ना लिखने आए हैं यहाँ पे और ना मैं कमेंट देखने आया हूं आप पढ़ने आए हैं हम पढ़ाने आए हैं तो सवाल को देखिए सवाल बनाइए हमारा मेन काम यहाँ पर यह होना चाहिए अब दिए गए सवाल में क्वेश्चन नंबर इक्यावन में ठीक है शांतानु चित्रांश मैंने कहा तो कि अगर दो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगी तो रेशियो का जैसे मैंने अभी हेल्प लेकर सेटिस्फाई किया था कि यहां से चार और ये वैल्यू तीन आ रही थी और उस छोटे को पूरे बड़े के साथ लिया था वो तीन और ये चार आ रहा था तो मैं समझ गया बराबर है अगर दो संख्याएं होती परफेक्ट स्क्वायर तो पक्का किसी एक में ही ये वैल्यू बराबर आती दोनों में बराबर नहीं आती ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 में देखो दिए गए फोटो में हमसे बोला गया है कि ए ये वाला पॉइंट जो है ना ये बी है थोड़ा सुधार करेंगे इसमें इस वाले पॉइंट के जगह पर आपको बी लिखना है फोटो में आप अपने शीट में भी सुधार कर लीजिएगा शीट में भी यहाँ पर ए दिया गया है इसको बी बना लीजिए अब सवाल में बोला गया है दिए गए पॉइंट में एबीसी नाम का एक त्रिभुज है बी डी ई एफ नाम का एक जो है बी डी एफ नाम का क्या है एक हमारा रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर है स्क्वायर कौन होता है जिसकी चारों भुजा नब्बे की होती है चारों कोण जो होती है वो की होती है और चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बराबर होती हैं होती हैं बराबर ठीक है फिर उसके बाद हमसे बोला गया है ए का जो मान है वो साढ़े सात है यानी ए जो है वो कितना है साढ़े सात है और पूरा का पूरा ए सी अठारह है अगर ये साढ़े सात है पूरा ए सी अठारह है तो इसी का मान कितना होगा तो इसी का मान साढ़े दस होगा ठीक है हमसे बोला गया है कि बताओ एबीसी का जो एरिया होगा वो कितना होगा ए बी और सी का आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा बताइए आप कैसे बताएंगे यहां पर एबीसी का जो एरिया होगा वो कितना होगा बताइए ये मान साढ़े सात दिया गया है यहां पर इसका मान साढ़े दस दिया गया है आपको यहां पर बोला गया है कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ये एक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं सॉरी ये एक स्क्वायर है आपको बी डी ई एफ जो है वो बोला गया ना यहां पर कि बी डी ई एफ जो है वो क्या है एक स्क्वायर uh, है यहां पर ठीक है वर्ग है एक तो वर्ग है तो आपको बताना है बताओ एबीसी का एरिया कैसे बताओगे सोचो जरा कैसे बताएंगे आप यहां पर कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे बताइए आया आंसर किसी का बना भाई बताओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखो आंसर आया बताओ यहाँ पे कैसे बनाओगे सवाल को पिछहत्तर है मतलब अगर मान लो रेशियो लोगे तो पांच अनुपात दस आएगा सात पंद्रह ती पचहत्तर तीन अनुपात आ जाएगा आपको सात कैसे बनाएंगे बताइए सवाल आपके सामने है टाइमर जो है मैं लगा दे रहा हूं दो मिनट का टाइमर मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप सवाल को सोच पाए कि जब ये सवाल आपके मेस में आते हैं तो बढ़िया तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस केस में आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे आपके सामने मैंने फोटो बना दिया एक एक बातें लिख भी दी है बनाइए साइड भी हो गया हूं मैं ताकि आप पूरा सवाल को देख पाए अच्छे से साइड हो गए हैं बताइए आंसर ¿no अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं वर्मा ने उत्तर दिया है बहुत शानदार समय को करते हैं खत्म और चलते हैं अपने सवाल पे अब यही सवाल को देखो आपके पेपर में पूछा गया है और मान लीजिए कि इसको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे तो एक बार आप अपने सवाल को देखिए ठीक है शीट में देखा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए हमने दो मिनट आपको क्यों दिया ताकि आप जब ट्राई करते हैं तो आप समझते हैं कि सवाल में आपको दिया क्या गया है और आपको पता क्या करना है तो उससे क्या होता है कि जब हम समझा रहे होते हैं तो मेरे लिए काम काफी आसान हो जाता है समझाना नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता कि दिया क्या गया है और बनाना क्या है तो फिर मैं कुछ भी पढ़ाते रहूंगा और आप समझते ही नहीं पाएंगे आपको लगेगा अच्छा ठीक है चल रहा है चलने दो तो ये काम नहीं होना चाहिए इस वजह से जो है मैंने आपको कहा कि आप आराम से तसल्ली से सवाल को पढ़िए ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया है और बताना क्या है अब देखिए जैसे ये सवाल बोला गया है सवाल में आपको मान दिए गए हैं ये 7.5 है और पूरे की पूरी वैल्यू मान लो यहां पर 18 दी गई है तो आप पूरे वैल्यू को 18 लिख सकते हो ठीक उसके अलावा आपसे कहा गया है कि ये भैया क्या है सारे के सारे जो है यहां पर ये वाले स्क्वायर हैं। अगर ये जनाब 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा ठीक है क्योंकि ये 90 है तो पूरी सीधी रेखा पर कौन बनती है तो 90 होगा तो आप गौर से देखेंगे जो जरूरत की चीजें हैं मैं बस अभी वही लिखने वाला हूं इसके अलावा मैं बाकी कुछ और लिखने भी नहीं वाला ठीक है बस जो जरूरत की बातें होंगी हम उसी को समझेंगे उसी को जानेंगे ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए अब यहां पर मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है अगर ये कौन नब्बे है ठीक है, तो ये भी नब्बे ये भी होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर और अगर ये नब्बे है तो हमारा ये भी नब्बे होगा तो इसको हम मिटा देते हैं मतलब हम ऐसा कह सकते हैं नब्बे है अब ये रेखा भी नब्बे है तो ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर कौन हो जाएगा ये वाले रेखा हो जाएगा पैरल हो जाएगा कि नहीं तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे ठीक है कोई समस्या की बात पैरल हो जाएंगे तो बोला हाँ सर पैरल तो हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है अब अगर मानिए कि ये स्क्वायर है तो इसके साइड को हम मान लीजिए मानते हैं तो ये भी भूजा हमारी कितनी हो जाएगी तो बोलेंगे सर ये वाली भी भूजा जो है ये भी हमारी ठीक है ये वाली भी भूजा जो है हमारी कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी ये भी एक्स हो जाएगी ये भी एक्स हो जाएगी ठीक क्योंकि ये स्क्वायर है और इस साइड का कुछ पता नहीं है तो इसको एक पल के लिए क्या मान लेते हैं इसको वाई मान लेते हैं एक्स है एक्स है एक्स है एक्स है और ये वाई है अब जरा मैंने आपको जैसे कहा कि ये कोण 90 है और ये वाला जो है इस ये रेखा जो है डी डी ये हमारे बीसी के क्या है पैरल है, है। चूंकि डीई जो है वो हमारे किसके पैरल है बीसी के पैरल है तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ये कौन इसके बराबर ये कौन यहाँ पे बीच वाला कॉमन में दोनों सिमिलर हो जाएंगे कौन सा छोटा वाला एडीई और बड़ा वाला ए बी सी ये दोनों जो है वो सिमिलर हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहां पर देखो छोटे वाले का साइड कितना है तो बोलोगे सर छोटे वाले का साइड है। और पूरा बड़े वाले का साइड ए भी कितना है तो बोलोगे वाई प्लस एक्स है यानी एक्स प्लस वाई है और ये बराबर होगा ये बराबर होगा किसके छोटे वाले का साइड कितना है तो बोलोगे सर सात दशमलव पांच है और बड़े वाले का साइड कितना है तो बोलोगे सर ए जो है वो कितना है अट्ठारह है समझ में आ गया मैंने कहा यहां छोटा वाला वाई और टोटल एक्स प्लस वाई यहाँ छोटा वाला साढ़ा सात और टोटल जो है वो अट्ठारह अब जरा इनका अनुपात देखिए एक बार तो बोलेंगे यहां से पचहत्तर से हटाएंगे दस जाएगा पांच से काटेंगे मान लो पंद्रह बार में पांच से काटेंगे छत्तीस बार में फिर पांच से काटिए यहां पर तीन से काटेंगे पांच बार में तीन से काटेंगे बारह बार में तो बोलेंगे सर पांच अनुपात बारह है कितना है पांच अनुपात बारह है यानी अगर हम ऐसा कहें वाई का मान पांच है ठीक है तो एक्स का मान कितना है सात है ऐसा कह सकते हैं कि ये सात है और ये मान लो पांच है ये हम इनको के में भी कह सकते हैं कि ये वाई जो है फाइव के है और एक्स जो है वो सेवन के है ऐसा कह सकते हैं फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे सवाल में तो ये वाले त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज में ये क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर आपको ये x है और ये y है तो हम ऐसा कह सकते हैं इस त्रिभुज में कि हमारा जो x का स्क्वायर है और जो y का स्क्वायर है वो बराबर है किसके बराबर है तो बोलेंगे सर ए के स्क्वायर के बराबर है यानी यहां पर सेवन के स्क्वायर के बराबर है ठीक है सेवन के स्क्वायर के बराबर है x की वैल्यू कितनी है तो सात है और y की वैल्यू कितनी है फाइव के है किसी और टर्म में है तो x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उनचास के स्क्वायर वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पच्चीस के स्क्वायर अब भैया पचहत्तर का स्क्वायर पता करना है आपको हमने ट्रिक बताया था कि इक्या के स्थान पर पांच होगा तो कैसे निकालेंगे पांच का स्क्वायर हो गया पच्चीस और आठ इंटू सात हो गया कितना छप्पन ठीक है और दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके स्क्वायर के बाद दो अंक होगा उनचास एक लेगा पचास हो जाएगा और टोटल हमारा आ जाएगा कितना तो हमारा आ जाएगा पचास और चौबीस चौहत्तर के स्क्वायर चौहत्तर के स्क्वायर का मान आएगा कितना आएगा छप्पन दशमलव दो पांच आएगा ठीक है छप्पन दशमलव कितना आएगा दो पांच आएगा सवाल में हमसे किसका मान पूछा गया है तो हमसे एबीसी का एरिया पूछा गया है कि ए बी और सी का जो एरिया होगा होगा वो कितना होगा? अगर मुझे इसका एरिया निकालना है अगर मुझे एबीसी का एरिया निकालना है तो मुझे एक बात बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे यहां पर इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे यहां पर इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उस आधार पर मुझे जो है इनका एरिया निकालना पड़ेगा कैसे निकालना पड़ेगा आपको वो भी बताएंगे अभी कुछ देर में उसके लिए परेशान मत होएं आप ठीक है आप अभी फिलहाल इस बात को समझे कि भैया इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा? अगर XY का आ जाता है तो एबीसी का भी एरिया क्युं? है वो लेकिन पहले इस ट्रैंगल का एरिया का पता होना जरूरी है और इस ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए हमें एक्स और वाई का मान पता होना जरूरी है एक्स और वाई की जो मान है वो हमारे रेशियो में आए यानी चौहत्तर के स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है छप्पन दशमलव दो पांच ठीक है अब अगर मानो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे चौहत्तर के स्क्वायर की वैल्यू छप्पन दशमलव दो पांच एक बढ़िया सवाल है चौहत्तर के स्क्वायर की वैल्यू छप्पन पच्चीस और बट्टे में आप सौ भी लिख सकते हो इस चौहत्तर को जरा नीचे लेकर आओ तो भैया यहां पर नीचे आपका आ जाएगा तो के स्क्वायर का मान छप्पन पच्चीस बट्टे में सौ आ गया आपका यहां पर ठीक है बट्टे में आपका सो आ गया और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आएगा और बट्टे में सो आ गया तो यहां पर कितना लेकर आएगा मान लो चौहत्तर है आप छप्पन पच्चीस इंटू चौहत्तर जब आपका के स्क्वायर का वैल्यू इतना है जब आप के की वैल्यू निकालोगे जब आपका के स्क्वायर की वैल्यू इतना है के की वैल्यू निकालोगे तो करना पड़ेगा आपको इसका रूट अंडर छप्पन पच्चीस किसका है तो बोलोगे सर पचहत्तर का स्क्वायर है सौ जो है वो किसका है तो बोलोगे सर दस का स्क्वायर है अब चौहत्तर चौहत्तर का रूट तो किया नहीं जा सकता है सैंतीस इंटू दो है ठीक है सैतीस एक प्राइम नंबर है पे तो कैसे करेंगे तो नियर अबाउट आठ अठाई चौसठ नौ निके आठ के करीब में मान लो ये जाएगा लेकिन आप इसको रूट अंडर अभी कुछ पल के लिए चौहत्तर रहने दो ये आपकी के की वैल्यू है यानी आप यहां पर बोलोगे तो बोलोगे तीन बटे चार यानी यहाँ पर, तो पर आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे सर तीन बटे चार रूट चौहत्तर

ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू बाई आप स्क्वायर का भी मान रख सकते हो आप के की वैल्यू मत निकालो छोड़ दो अगर आप के की वैल्यू इंटरेस्टेड नहीं हो निकालने में तो आप बस इतना समझो हाफ इंटू एक्स इंटू बाई एक्स का मान कितना है तो बोलेंगे सर हाफ एक्स और वाई का मान सात इंटू पांच पैंतीस के स्क्वायर कितना होगा सर पैंतीस और इंटू के स्क्वायर होगा देखते चलिए ठीक है एडी का मान कितना होगा हाफ पैतीस के स्क्वायर हाफ को हाफ रखेंगे पैंतीस को पैंतीस रखेंगे और के स्क्वायर का मान यहां से उठा के रख देंगे कि छप्पन दशमलव दो पांच छप्पन दशमलव दो पांच और बट्टे में कितना आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा चौहत्तर ये हमारा हो गया है किसका एरिया तो ये हमारा हो गया है ये छोटू वालू का एरिया ये छोटो क्वेश्चन मार्क का एरिया अब चलो क्वेश्चन मार्क का एरिया आता है ठीक है अब क्वेश्चन मार्क का एरिया हमें दे दिया गया है तो उसके बाद हम कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे देखो ये साढ़े सात है टोटल अठारह है तो ये वाली वैल्यू साढ़े सात से कोई दिक्कत की बात नहीं है साढ़े सात और अठारह ठीक है साढ़े सात और अठारह किस रेशियो में थे तो हमने देखा था कि अगर इनके साइड का रेशियो देखो तो ये पांच अनुपात बारह में थे यानी ये भूजा पांच है तो पूरी की पूरी भूजा बारह है तो इसका जो एरिया होगा वो पच्चीस अगर है ठीक है अगर हम बात करें यहां पर कि एरिया ऑफ एडीई एडीई का जो एरिया है ठीक है डी का एरिया और फिर उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो कितना है तो ए ई का जो एरिया है अगर वो पच्चीस है तो पूरे का एरिया कितना है तो बोलोगे सर पूरे का एरिया एक सौ चौवालीस है पूरे का एरिया कितना है चौवालीस है क्या आप एडी का मान लेकर आप आए हैं तो बोलेंगे हाँ सर एडी का मान इतना है आप यहां पर एडी का मान रखिए आपका ए बी सी का मान निकल जाएगा समझ में आ गए आप यहां पर एडी का मान रखिए आपका एबीसी का मान निकल जाएगा आपको अगर एबीसी का मान निकालना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर एबीसी का जो मान है एक सौ बट्टे में 25 और इंटू एडी का एरिया अब एडी का एरिया कितना है तो बोलेंगे सर हाफ इंटू पैंतीस इंटू छप्पन पच्चीस ठीक है और बट्टे में कितना है सर चौहत्तर है ये आपकी वैल्यू आएगी ये जो भी सॉल्व करेंगे जितना भी आपका आएगा दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है दिस इज द करेक्ट आंसर इस बात को ध्यान रखें दोबारा से हम आपको समझा देते हैं कि सवाल सवाल में में हुआ क्या क्या इस सवाल में जो है हमें क्या दिया गया था तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बोला गया था कि साढ़े सात है और इसकी वैल्यू जो है पूरे की वैल्यू अठारह ठीक है थीके? पूरे की वैल्यू कितनी है अठारह है हमसे इतना बोला गया फिर उसके बाद हमसे कहा गया बीच वाला क्या है हमारा एक स्क्वायर है और हमसे जो है पूरा का पूरा क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे एबीसी का एरिया पूछा गया है अब हमसे एबीसी का एरिया पूछा गया है तो हमें ये बात पता है कि हम डायरेक्ट तो वैल्यू बता नहीं सकते हैं ऐसा तो है नहीं इसकी दी गई है तो भैया अगर वैसे नहीं बताएंगे तो कैसे बताएंगे तो हमने कहा चलो सिमिलैरिटी लगाते हैं इनका साइड साढ़े और अट्ठारह है साइड को जब हमने देखा तो हमने कहा यहां पर कि भाई ये पांच अनुपात बारह के फॉर्म में कैसे पांच अनुपात बारह के फॉर्म में है मान लो ये पचहत्तर है और ये एक सौ अस्सी है दोनों को दस से मैंने गुना कर दिया पंद्रह से पांच बार में कटेगा पिछहत्तर ठीक है पंद्रह से पांच बार में पिछहत्तर जाएगा और पंद्रह से आपका बारह बार में जाएगा पांच अनुपात बारह यानी मुझे पता चल गया अगर ए ही साइड पांच है पूरी की पूरी बारह है तो एरिया इसकी पच्चीस हो जाएगी और पूरे की एरिया एक सौ चौवालीस हो जाएगी समझ में आ गया छोटे वाले की एरिया 25 होगी तो पूरे वाले की एरिया 144 आ जाएगी। अब ये छोटे वाले का एरिया 25 अगर मानो निकल जाता है, छोटे वाले का अगर 25 होगा तो पूरे का 144 यूनिट आ जाएगा ठीक है तो ये 25 यूनिट का मान हम निकालने के लिए अंदर गए और हमने कहा ये 25 यूनिट का मान अगर पता चल जाए मान लो 25 का मान 50 आता है यानी दोगुना आता है तो 144 का मान 288 होगा होगा कि नहीं होगा तो ये 25 यूनिट का हमने मान पता किया ये 25 यूनिट कैसे निकलेगा यानी इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने इसको x माना और इसको हमने y माना सवाल में x2 y2 की वैल्यू 7.5 का होल स्क्वायर जो हमने पहली बात लिखी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जो होगा वो 7.5 का होल स्क्वायर ये पहला क्योंकि दो वेरिएबल हैं यहाँ पर तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए इनको सोल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए तो हमने कहा ठीक है पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर इतना फिर हमने कहा दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो पैरल था तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा दिया हमने कहा कि छोटे वाले का वाई और टोटल का एक्स प्लस छोटे वाले का वाई टोटल का एक्स प्लस वाई बराबर होगा छोटे वाले के साढ़े सात और टोटल के है, है इतना के स्क्वायर का मान इतना आ गया तो हमने के स्क्वायर का मान इतना बटे चौहत्तर लिख दिया फिर हमने कहा चलो ठीक है ये बात समझ में आ गया ये फाइव के है ये समझ में आ गया एरिया हाफ

ठीक है जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स टू आएगी ठीक है सॉल्व करने में जो है आपको अपना खुद का ही कलम उठाना होगा मेरा कैलकुलेशन देख के आपको क्या फायदा ठीक है कोई फायदा तो है नहीं अल्टीमेट कलम जो उठाना है वो आप ही को उठाना है तो सेवेंटी यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन <coughs> नंबर जो ए है वो क्या है करेक्ट आंसर है समझ में आ गया मेरी बात क्लियर है सवाल आपको ये ठीक है देखो ये सब बढ़िया क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा ना कि आप अगर अभी क्लास में बैठे हुए हैं तो पहले पहले की क्लासेस को देख के तो फायदा है, तो है? एंटर होंगे तो फायदा है ठीक आ जाओ अब एक और धासु सवाल देखते हैं जो इस बार के पेपर में पूछा जा सकता है मेस में भी प्री में भी ठीक है आ जाओ मैंने कहा ना कि ये सभी सवाल अब धासु धासू प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है सारा जहर वहर आपको यही मिलेगा इस बात का ध्यान रखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में देखो दिए गए सवाल में आपको कहा गया है कि ये P नाम का एक पॉइंट है ये Q नाम का एक पॉइंट है और यहाँ एक R नाम का पॉइंट है बोला गया है कि देखो ABC नाम का एक अपना त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक और ऐसा त्रिभुज बना दिया गया है मतलब ये एक अपना चल रहा है ये एक अपना चल रहा है अलग जोन में चल रहे हैं सवाल में हमसे क्या क्या बोला गया है वो भी देख लो सवाल में हमसे कहा गया है pg जो है वो gr के बराबर है यानी जी मध्य बिंदु है g मिडपॉइंट है उसी तरीके से ये भी कहा गया है कि h मिडपॉइंट है ठीक है फिर यहां पर कहा गया है पी जो है वो इसका मिडपॉइंट है और क्यू जो है वो इसका मिडपॉइंट है मतलब जी भी मिडपॉइंट है किसका तो pr का h मिडपॉइंट है किसका तो qr का मिड पॉइंट है किसका तो एसी का और क्यू मिड पॉइंट है किसका तो AB का ये हमसे यहां पर कुछ बातें चंद बातें कही गई है पीजी जो है वो जी के बराबर है एच जो है वो एच के बराबर है ठीक है फिर हमसे बोला गया है कि जो पी क्यू आर यानी ये पी क्यू आर जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ये एबीसी के एरिया का कितना अनुपात रखता है एबीसी के एरिया का कितना अनुपात रखता है तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है लेकिन इसको हम लोग जो है एकदम सेकंडों में बना सकते हैं विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हम सवाल में अप्रोच सही लगाएं तो लेकिन अगर अप्रोच सही नहीं लगाएंगे तो हम रह जाएंगे हवा हवाई में ठीक है हवा हवाई में कैसे रह जाएंगे वो भी देख लेते हैं बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सेकंडों में बनाने वाला है बार बार मैं कह रहा हूं समझना मेरी बात को जो जो मैं स्टेप्स उठाऊंगा यहाँ पे उसको समझते रहना मैंने कहा देखो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है हमें इनके एरिया का अनुपात चाहिए अगर हमें इनके एरिया का अनुपात चाहिए तो कुछ तो ऐसा हो जो रिलेट कर पाए कि भैया देखो कोई भी दो ट्रायंगल है मान लो मैं आपको यह कहता हूं कि आप इस ट्रायंगल के सोच से हटकर अपनी एक अलग सोच बनाओ इसका जो फिगर दिया गया है उसको दो पार्ट में अलग अलग कर लो जैसे पता है क्या होता है अगर मैं आपको माय डियर यह बात बोलू ना कि देखो भाई मेरे ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं ठीक है और इनके बेस का जो रेशियो है वो एक अनुपात दो है आप इनका एरिया का रेशियो बताओ आप तुरंत सेकंड में बोलते हो सर इसका एरिया एक होगा इसका एरिया चार होगा एरिया का रेशियो इतना होगा लेकिन अगर आपका एग्जामिनर इन्हीं दोनों फिगर को मर्ज करके दे दे और मान लो कि वो आपको ऐसा बोले कि ये आपका ट्रायंगल है ठीक है और इसी ट्रायंगल के अंदर मान लो यहां पर एक छोटू ट्रायंगल पलटी करके बना दिया गया है किसी भी तरीके से बना दिया गया है मान लो जैसे मानो सिमिलैरिटी वो घोषित नहीं कर रहा है वो सिर्फ आपको बोल रहा है कि ये जो छोटू ट्रायंगल बनाया गया है और ये बड़ा ट्रायंगल बनाया गया है ठीक है बड़े वाले की भुजा दो है और छोटे वाले की भुजा जो है वो एक है ये छोटा वाला ये तो मुझे बताओ ये जो पार्ट बनेगा और ये जो टोटल पार्ट बनेगा इसका एरिया कितना है तो भैया क्या दिक्कत है आप चाहो तो उसको इसके अंदर डाल के कर सकते हो या इसको बाहर निकाल के आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये ट्राइंगल ऐसा है दूसरा वाला ट्राइंगल ऐसा है इसको बाहर निकाल दिया छोटे वाले को इसकी भूजा दो है इसकी भूजा एक है भूजा का अनुपात दो अनुपात एक तो एरिया का अनुपात चार अनुपात कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यानी इसका एरिया एक है टोटल एरिया है। है। सेम तरीके से यहाँ पर दो फिगर को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट किया गया है। अगर ये दोनों फिगर को हम अपनी सोच से थोड़ा सा बाहर, बाहर है जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि को आप अलग ड्रॉ करिए आपका क्या हो गया तो ए हो गया बी हो गया सी हो गया और फिर मैंने कहा ये को निकाल दो बाहर ठीक है और Q हो गया और R हो गया मैंने कहा अगर इनके साइड का आपको रेशियो पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे अगर मानो सिमिलैरिटी है तो इनका क्या हो जाएगा एरिया का रेशियो पता हो जाएगा और गलती से अगर इनकी हाइट जो है वो बराबर हो गई तो जिस रेशियो में साइड है उसी रेशियो में एरिया होंगे तो आपने कहा जी सर ऐसा हो सकता है होने को तो बहुत कुछ हो सकता है होने को फिगर को अलग करके बनाया जा सकता है होने को अंदर करके बनाया जा सकता है लेकिन सवाल देखने के बाद समझेगा आदमी कैसे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा तो सबसे पहले मैंने कहा एक काम करता हूं मैं ट्रायंगल एबीसी का क्या बनाता हूं यहां पर एक हाइट डाल रहा हूं मैं मैं अपने मन से मैंने कहा कि भैया एक काम करो यहां पर इसकी जो है ना लंब डालो एक यहां से लेकर कहां तक यहां तक एक लंब डालिए ठीक है थीके? बड़े ध्यान से समझिएगा ये जो लंब डलेगा ना इस लंब की जो कहानी होगी लाइन की थिकनेस थोड़ी सी मोटी करेंगे और लाइन का जो कलर करेंगे वो मान लो पीला करेंगे लंब डाल दिया हमने अब ये जो लंब डाला है तो यहां पर ये कौन कितने का बनाएगा नब्बे का और यहां पर भी कौन कितने का बनाएगा नब्बे का ठीक है और यहां से जो लंब डालेंगे किसके एबीसी के ऊपर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वहां से ऊपर से एक और लंब डालेंगे, ठीक है? एक और 90 डिग्री का यहां पर वैल्यू डालेंगे जब वो डालेंगे तो वो इसी के ऊपर आकर क्या होगा गिर जाएगा क्यों क्योंकि वो भी नब्बे का कोण है ये भी नब्बे का कोण है तो इसके ऊपर आके गिरेगा और बोलेगा कि भैया हमको अपने शरणों में तुम ले लो हम भी आ गए हैं तुम्हारे पीछे पीछे नब्बे का कोण बनाते हुए यहां से जो नब्बे वाला बनाओगे तो वो एकदम इसी पॉइंट पर बनेगा क्यों इसी पॉइंट पर बनेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर नब्बे का कोण बन सकता है दो अलग अलग पॉइंट पर तो नब्बे के बन बनी नहीं सकते ठीक है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये जो है आपको ठीक है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ मान लो एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के सॉरी मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमने बनाया एक त्रिभुज हमने बनाया तो यहां से जो है एक रेखा मान लो ये नब्बे यहां बनाती है और एक रेखा नब्बे यहां बनाती है ऐसा नहीं होता तो ये वाली रेखा अगर यहां नब्बे बनाई है तो ये भी नब्बे होगा ये नब्बे होगा मतलब इसको आगे तक लेके जाए तो पॉइंट आठ तक जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा एल्टीट्यूड कहलाएगा

ठीक है और ये सब एक लाइन पे होंगे तो अगर ये वन रेशियो वन में तो ये भी वन में वन में ये भी रेशियो वन रेशियो वन ये भी वन रेशियो वन ठीक है उसी तरीके से अगर जी है अगर ये वन रेशियो वन में है तो हमारा जो एक्स है वो भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा और आर से लेकर एक्स और एक्स से लेकर वाई ये भी वन रेशियो वन में जब जी मिड पॉइंट होगा तो एक्स भी मिड पॉइंट होगा एच भी मिड पॉइंट होगा ये बात क्लियर है

और ये कितना है तो वन और प्लस वन टू यूनिट है समझ में आ गया कि नहीं आ गया वन प्लस वन कितना यूनिट है देखो ये भी वैल्यू वन आई है ये भी वैल्यू वन आई है और ये भी वैल्यू वन आई है यानी अगर हम बात करें तो यहां पर ट्रायंगल एबीसी के की एरिया की बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की एरिया और बट्टे में किसका तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ठीक है ट्रायंगल एबीसी का एरिया आप कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू हाफ इन ट्रायंगल एबीसी के साइड को क्या ले लो मान लो यहां पर साइड ले लो बीसी हाफ इंटू बेस जो हो गया वो कितना हो गया बीसी हो गया और यही बेस के ऊपर जो है हाइट कौन सी है तो ये वाली हाइट है तो हाफ इंटू बी और ये वाली हाइट को वन और वन मान लो टू सेंटीमीटर उसी तरीके से ट्राइंगल पीक्यू आर को लेंगे तो ट्राइंगल पीक्यू आर का हाफ हो जाएगा और जो बेस है वो कितना है तो बेस पी क्यू है जिसके ऊपर एक लंब डाला गया है ये डाला टू है हाफ से हाफ खत्म टू से टू खत्म यानी बीसी और पीक्यू जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में इनका एरिया होगा ठीक है बीसी और पी क्यू जिस रेशियो में होंगे बीसी कौन है भैया तो बीसी आपका ये है और पी क्यू कौन है भैया तो ये है अब जरा गौर से सोचो तो पी तुम्हारा क्या है मिड पॉइंट है है कि नहीं है मिड पॉइंट ठीक है यानी ये वाला पॉइंट वन है और ये वाला पॉइंट वन है तो छोटे वाले का साइड वन और पूरे वाले का साइड जो है वो दो है तो उसी तरीके से छोटे वाले का साइड वन है और पूरे वाले का साइड कितना है दो है ये बात हमें पता है तो हम बोलेंगे कि भैया बीसी जो है पूरा का पूरा बड़ा साइड है वो दो यूनिट होगा तो पीक्यू कितना होगा एक यूनिट यानी एबीसी का एरिया दो यूनिट और PQR का एरिया कितना वन यूनिट तो यहां पर बोला गया PQR वन एबीसी टू ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अब सेकेंडो सेकेंडो में मैं वही कह रहा था कि आप सेकेंडो सेकेंडो में इसको कैसे बना सकते हो ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आपने सिंपल एक काम करना था आपको एक हाइट बनानी थी हाइट बनाने के बाद जब आपने हाइट को नोटिस किया तो वन 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 आ रहा है आपने देखा इसका भी हाइट दो है और इसका भी हाइट दो है यानी दोनों का हाइट समान है अगर दोनों का हाइट समान है तो दोनों का जो एरिया है वो उनके बेस पे डिपेंड करेगा ठीक है हम बात करते हैं यहां पर ये बीसी अगर ये बी

भी अनुपात एक अनुपात दोबारा से फिर से समझो कैसे करोगे यहां से हाइट बनाते एक लाइन लेते हैं हाइट दो वाले की हाइट, दो दोनों का हाइट बराबर दोनों का हाइट बराबर तो जिस रेश में इनका बेस होगा उसी रेशो में क्या होगा एरिया आप बात करोगे यहां पर देखो बड़े वाले की भूजा को दो मानते हो तो पी क्यू उसका आधा होगा क्यों क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट है सवाल में दिए गए हैं ठीक है अब मुझे बताओ एबीसी के लिए बेस दो लेंगे क्यू आर के लिए बेस एक लेंगे PQR आर का बेस एक है एबीसी का बेस दो है बहुत बच्चे एक अनुपात उत्तर कर देते, लेकिन वो तब करते जब इनका हाइट बराबर नहीं होता हमने ये बात पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुजों के हाइट समान होते हैं तो उनका क्षेत्रफल उनके बेस पर डिपेंड करता है तो बेस का रेशियो वन रेशियो टू तो एरिया का भी रेशियो वन रेशियो टू तो। ठीक है मजा आया अच्छा लगा है? दिमाग हिल गया अभी तो बहुत प्रश्न हैं जो दिमाग हिलाने वाले हैं चलो तो एक और क्लास दिख रही होगी साढ़े बारह से ठीक है अभी उस क्लास में लाइव आ जाइए तुरंत ही बाकी बचे क्वेश्चन सभी उसी क्लास में करते हैं सभी के सभी लाइव रहिए आ जाइए आ जाओ सभी के सभी लाइव सेकेंड वाली क्लास में सभी लाइव आएंगे